जमीनी विवाद के चलते गिटी खदान परिसर में रहने वाले फिरियादी मंगल सिंह और प्रीतम सिंह और समूह के बीच में बड़ा विवाद हो गया, जिससे बात हाफ मर्डर तक चली गई। पूरा मामला कुछ यूं है, जिसमें फिरियादी मंगल सिंह राठौर का उनके रिश्तेदार प्रीतम सिंह मिथिलेश, इसके साथ ही ममता और तुलसीदास चौहान के साथ प्लॉट को लेकर पिछले 4 सालों से विवाद चल रहा था, जिसमें एक दिन प्रीतम सिंह और समूह द्वारा जमीन पर गैरकानूनी ढंग से कब्जा जमाने के उद्देश्य से फिरियादी के परिवार के साथ विवाद किया। बातों बातों में विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपियों में से एक ने फिरियादी मंगल सिंह के बेटे के सर पर लोहे की रॉड से वार किया, जिससे फिरियादी का बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घायल का इलाज दंदी अस्पताल में जारी है। वहीं गिटी खदान पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर प्रीतम सिंह और तुलसीदास को गिरफ्तार किया गया है। वहीं आगे की जांच जारी है। गिटी खदान पुलिस स्टेशन में 307 का गुना दाखिल हुआ। उसमें जो फिरियादी है मंगल सिंह राजमणि सिंह राठौर, ये आकांक्षी लेआउट दाभा नागपुर यहाँ पे रहते हैं, और यहाँ पे जो आरोपी है उनका छोटा भाई प्रीतम सिंह राठौर और उनके जो वही तुलसीदास चौहान, और इस तरह से 5 आरोपी, अच्छा टोटल 7 आरोपी है इसमें। इन आरोपियों ने कल फिरियादी के घर में जाकर उनके फिरियादी और उनके परिवार पर जानलेवा हमला किया। उसमें फिरियादी के लड़के को लोखंडी रॉड से मारा है सर पर। अभी उनका इलाज दांडे हॉस्पिटल यहाँ पे चालू है। अभी वो लड़का आईसीयू में ही भर्ती है। ये जो विवाद चालू है ये प्लॉट की वजह से है। पिछले 3-4 साल से इनके वाद विवाद चालू है, और इनमें जो आरोपी है फिरियादी का छोटा भाई प्रीतम सिंह राठौर और उनका जवाई तुलसीदास चौहान, ये मेन आरोपी है, और इधर उनके साथ 4-5 आरोपी थे, ऐसे टोटल 7 आरोपी है। नहीं, अभी तक तो कुछ रिकॉर्ड नहीं आया सामने, नहीं उसके बारे में तपास चालू है। जैसे ही बात सामने आएगी आपको पता दिया जाएगा। ये प्लॉट पर अतिक्रमण करने की वजह से हमला किया, अब ये उसके बारे में तपास चालू है हमारा।